नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे हमेशा की तरह। दोस्तों, आज एक इतनी बढ़िया जानकारी लेकर के आई हूँ आपके लिए। आप इस क्रिया को करके देखना दोस्तों, आपका भाग्य चमक उठेगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सूर्य देव की जिसके ऊपर कृपा है, ऐसा व्यक्ति दुनिया में जहाँ भी पांव रखता है उसे मान सम्मान मिलता है, उसका सामना शत्रु भी नहीं कर पाते हैं। धन और ऐश्वर्य सदा उसके पास होता है। जिसके भी सूर्य मजबूत है दोस्तों, वो हमेशा राजा की तरह जीता है। जिसके भी कुंडली में सूर्य मजबूत है, जैसे जैसे उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे उसको दुनिया के सारे सुख मिलते हैं। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उस व्यक्ति की जिसके सूर्य मजबूत है, मान सम्मान उस व्यक्ति का बढ़ता जाता है। घर के अंदर भी उसका जबरदस्त रुतबा बनता जाता है। काम धंधे में भी उसे जबरदस्त सफलताएं मिलती हैं उम्र के साथ। जिसके भी सूर्य मजबूत है दोस्तों, हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर उसके पिता की सदैव ही कृपा बनी रहती है, सदैव कृपा बनी रहती है। कई जगह आपने सुना होगा कि बाप बेटे के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। जैसे कि दोनों शनि राहु हो गए हैं, दोनों शनि और रवि हैं, शनि रवि की नहीं बनती है, राहु की नहीं बनती है, तो इस टाइप से ये आपने सुना होगा। तो इसका भी मैंने एक उपाय बताया था कि अमावस्या के दिन जो बच्चा है अपने पिता के पैरों के मोजा शूज में से सॉक्स को निकाले और नए सॉक्स रख दे, पुराने सॉक्स को निकाल कर फेंक दे और नए सॉक्स रख दे, तो पिता पुत्र की अच्छी बनने लग जाती है। कुछ कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो छोटे छोटे कामों से सुधर जाते हैं। छोटे छोटे जो छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, इनसे काफ़ी फायदा होता है। आज ऐसा ही एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। ऐसे दोस्तों, ऐसे भी जो पौष महीना है, इस पौष महीने के अंदर सूर्य देव की आप जितनी भक्ति करते हैं उतना ज़्यादा आपको फल मिलता है, बहुत ज़्यादा फल मिलता है। नदी में स्नान करो, आप कोई भी नदी हो, नदी में आप यदि एवरीडे ये महीना आप यदि आप पूरा नदी में स्नान करते हैं तो भी आपको इसका जबरदस्त फल देखने के लिए मिलता है। जो लोग नदी में नहीं जा सकते हैं, नदी का जल आपके घर में हो तो नहाने के पानी में दो चार बूंदे डाल लें और उससे स्नान करें, बहुत अच्छा इससे फल देखने के लिए मिलता है। भाग्य चमकने लग जाता है, दुर्भाग्य दूर होने लग जाता है। तो दोस्तों, सूर्य आप इस महीने जितना भी सूर्य की पूजा करते हैं, पूरे पूरे साल जो आप पूजा करते हैं, उससे ज़्यादा फल आपको इस महीने सूर्य देव की पूजा करने से मिलता है। और वो भी यदि संडे का दिन हो तो क्या बात है, संडे का दिन तो सूर्य देव का ही दिन है। आप जो भी जितनी भी सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं अवश्य ही करें दोस्तों, आपका भाग्य हीरे जैसा चमकेगा। दुनिया में व्यक्ति छा जाता है जिसका सूर्य मजबूत होता है। मैं हमेशा बताती हूँ, जिन्हें नौकरी का टेंशन है, हमेशा सूर्य देव के जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य ही मिलाएं। अभी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं ट्रांसफ़र को लेकर के कि हमें मनचाहा ट्रांसफ़र चाहिए। तो मैंने बताया था कि मकर संक्रांति वाले दिन 31 दाने सूखी लाल मिर्च के सूर्य देव की तरफ फेंक करके अपनी इच्छा बोले। जो लोग ये उपाय ना कर पाए हों रविवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये जो उपाय बता रही हूँ आपको, आपने सुना होगा सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूर्य की उसके अंदर बहुत शक्ति होती है, सूर्य की दिशा में ही वो घूमता है, वो खिलता है। सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी का ये फूल, जैसे आप गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं सूर्य देव को, सूरजमुखी का यदि आप फूल अर्पित करते हैं तो भी दोस्तों सूर्य देव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, सूरजमुखी का तेल आपको, सूरजमुखी का तेल सनफ्लावर ऑयल अभी तो सब जगह मिलता है, रविवार के दिन नहाने से पहले आप इस ऑयल में थोड़ी सी हल्दी डालें, क्योंकि हल्दी लक्ष्मी प्रदान होती है। थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उसके बाद आप इस तेल को पूरी बॉडी में हल्के से मसाज कर लें और उसके बाद आप स्नान करें। यदि आपके घर में दरिद्रता है, घर के अंदर कलह है, पैसों का बहुत व्यय होता है, तो पानी में थोड़ा सा सरसों भी अवश्य ही डाल लें। और सरसों डालने वाला उपाय दोस्तों, आप शनिवार के दिन से शुरू करें तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और रविवार के दिन सूरजमुखी के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके बॉडी में मसाज करें, उसके बाद आप स्नान करें
और इस दिन भी दोस्तों सरसों का मतलब आप शनिवार के दिन से शुरू करो, करिए सरसों डालना और उसे एक सप्ताह तक आप कंटिन्यू करें। और ये जो मैंने उपाय बताया है, सूरजमुखी के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाना है और उसको आपको अपनी बॉडी पर मसाज करना है नहाने से पहले। दोस्तों आप पैसों में खेलेंगे, आपकी किस्मत हीरे जैसी चमकेगी, दुनिया पर आप छा जाओगे। छोटे छोटे से उपाय दोस्तों आपकी जिंदगी बना देते हैं। पूरी बॉडी में इसकी मसाज करें, भले आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, उसके बाद आप स्नान करें, आपका चेहरा भी दोस्तों चमक जाएगा। और सूर्यदेव को जल अवश्य ही चढ़ाएं, 5 बाती का दिया सूर्यदेव के सामने अवश्य ही लगाएं, हल्दी वाला जल चढ़ाएं, गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें। यदि आप ये सब कुछ कर सकते हैं तब तो क्या बात है, और कुछ ना भी कर सकते हो तो इस तेल की मालिश अवश्य ही करें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।